मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है और ऐसे में दोनों ही दल चुनावी माहौल बनाने के लिए जगह जगह जाकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर दौरे पर हैं। उनके दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गद्दारी से भरे नारों के साथ पोस्टर लगाया गया था। यह पोस्टर रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने लगाया गया, जिस पोस्टर को पुलिस ने हटा दिया है। पुलिस ने पार्टी का रास्ता अवरुद्ध होने के नाम पर बैनर हटाया है। अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। वहीं जब इस पोस्टर को पुलिस के द्वारा हटाया गया तो कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा कर दिया और पुलिस पर भाजपा के दबाव में पोस्टर हटाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इसी समाधि स्थल पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार और शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला किया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी के आगमन पर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में नारा दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी गोरों से और प्रियंका दीदी लड़ेंगे चोरों से। फिलहाल सियासत में यह पोस्टर अब जमकर बवाल खड़ा कर रहा है। पार्किंग में यहाँ से गेट था ही नहीं, पहले बंद था, पहले से पूछा गया था, सब कुछ किया गया था और जानबूझ के पुलिस ने इसको भाजपा के दबाव में हटाया है और जनता इसका जवाब देगी। जनता सब जानती है किसने देश के साथ गद्दारी की है, किसने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, किसने मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की है 2020 में, सब पता है। जनता इसका जवाब। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा।